गाड़ी तो भोकाल है ही है, बट आप बटन प्रेस करने से जो नज़ारा दिखेगा ना, इस नज़ारे के लिए लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, एक और वीडियो में आपका स्वागत। और हैरियर है मेरे सामने R19 इंचेस के, मैं अलॉय व्हील नए डिज़ाइन के आपको इसमें दिखा रहा हूँ। सो डार्क एडिशन है ये, और साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखती है, पूरी धांसू दिखती है गाड़ी। अब चलते हैं फ्रंट प्रोफाइल की ओर, तो फ्रंट में ये लोगो नए इस डिज़ाइन का आपको देखने को मिलेगा। बोनट के नीचे क्या कुछ मिलता है, चलिए आपको दिखाते हैं। अब ये हुड खोलते ही ना पता लग रहा है कि वाकई में टाटा की गाड़ियां क्यों इतनी सेफ हैं, 5-स्टार रेटिंग कैसे वो ले लेती हैं। ये है जी टाटा क्रायोटेक 2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन, जिसकी सीसी की बात करें तो 1956 सीसी बनती है, और 170 बीएचपी के साथ ही ये 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसीलिए यहाँ पे ये देखो, ये दिखाता हूँ, 170 पीएस इसीलिए लिखा गया है। एंड 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। एंड मैंने पहले बताया कि इसमें 19 इंचेस के स्मार्ट और प्योर में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है गाड़ी का बैक प्रोफाइल। बैक वाइपर भी आपको मिलता है, हैरियर की बड़ी बैजिंग। और बूट स्पेस की बात करें तो 445 लीटर का बहुत बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। अलॉय व्हील में पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। सेफ्टी में बात करें तो ब्रेक्स इसमें चारों डिस्क ब्रेक आपको मिलती हैं, जबकि प्योर और स्मार्ट में आपको पीछे वाली ड्रम ब्रेक्स ही मिलती है। तो ये तो हो गया बाहर का बैकग्राउंड, आप चलते हैं गाड़ी के अंदर। और सबसे मेन अट्रैक्टिव पॉइंट जो है वो है पैनारोमिक सनरूफ। भाई साहब ये प्रेस कर दो जरा बटन, और ये देखो ये जो नजारा बनता है ना, मतलब बाहर का पूरा आसमान में यहाँ पहुंच जाते हो, या यूं कह सकते हैं कि आसमान पूरा आपकी गाड़ी के अंदर आ जाता है, तारे आपके गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। बट तारे तब भी आपको नज़र आते हैं जब आप जब इस वेरिएंट को खरीदते हैं, 2-3 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ये देखो इस तरीके से खुल के अंदर से पूरा, मतलब पूरी छत खुल चुकी है, इस तरीके का फील आता है। अब काफ़ी सेफ गाड़ी है, धाकड़ गाड़ी है, 2 लीटर इंजन है, यानी कि 1956 सीसी के साथ। तो गाड़ी का अंदर का डिज़ाइन भी ना वैसा ही धांसू बनाने की कोशिश की गई है, और टाटा ने ब्लैकस्टोन मैट्रिक्स डिज़ाइन का नाम दिया ताकि आपका स्वैग जो है वो बरकरार रहे। बूट स्पेस मैं एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता है। 60-40 रेशो वाली आगे सीट्स बेंच जो आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे देखो स्पीकर की प्लेसमेंट की गई है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो म्यूज़िक लवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो है इसमें 10 स्पीकर का सेटअप। तो चलिए अब आगे चलते हैं, तो आगे चल के इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आगे के फीचर्स का डिस्कस करेंगे। तो ये है, अभी हम गाड़ी के अंदर कैबिन में आ चुके हैं, और इस तरीके से दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सबसे पहले ये जो स्पोक आप देख रहे हैं, 2 स्पोक वाला स्टीयरिंग, ये आपको पता है 2023 में जब नेक्सॉन लॉन्च हुई थी तो तब से ही इन्होंने कंटिन्यू कर दिया है। और इसके बीच में ये देखो ग्लोइंग एक लोगो टाटा का जो है वो यहाँ पे दिखता है, और इस तरीके से वेलकम करता है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ग्राफिक्स वगैरह इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, और सेम जो MID की इंफॉर्मेशन होती हैं वो आपको आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी दिखती हैं। तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये है हरमन का 31.24 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन सिस्टम, जो मल्टी कमांड को भी इनपुट इसके थ्रू दी जाती है। और ये बाकी एसीज और बाकी कंट्रोल का जो पैनल, कुल मिला के गाड़ी के अंदर सीट पे बैठ के जो फील आता है ना, वो बहुत ही औसम है। ये तो हो गया बाकी स्टेयरिंग के कंट्रोल, और ये देखो नीचे से यहाँ से फ्लैट बॉटम ही रखा गया स्टेयरिंग को। फिट एंड फिनिश काफ़ी कमाल का है सारा। ओवरऑल सीट्स की अगर बात करें तो बहुत अच्छे से डिज़ाइन की है, हगिंग इफेक्ट आपको मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलेंगी। और जो इसका अंदर का डिज़ाइन है, जिसको मैंने डैशबोर्ड का भी बताया कि इसको ब्लैकस्टोन मैट्रिक्स का नाम दिया गया है। इसके अलावा इंटीरियर में एक और हाईलाइट है, वो है पैनोरमिक सनरूफ के चारों, और आपको एनवायरमेंट लाइटिंग भी मिल जाती है। और यहाँ पे भी जो, यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, वेंटिलेटेड सीट, 6-वे एडजस्टेबल सीट्स, और को ड्राइवर को भी 4-वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ऑप्शन इस मॉडल में आपको मिलेगा। बाकी आपको बताइए, टाटा की कारें सबसे सेफ तो है ही, और ये गाड़ी भी जो है वो रेंज रोवर के वीएटर प्लेटफॉर्म पे ही बनाई गई है। सेंटर का कंसोल देखो इस तरीके से, और ये रहा ड्राइव मोड का जो नोब है यहाँ पे दी होती है, और ये गियर लीवर इस तरीके से है। बाकी सेफ्टी में 7 एयरबैग इसमें मिलते हैं, 6 तो स्टैंडर्ड। और ड्राइवर की जो सीट है ना, वो विद मेमोरी आपको मिलती है, यानी कि जहाँ पे आप उसको सेट कर दोगे और आप जब गाड़ी को ऑफ करोगे और बाहर उतरना होगा तो वो हल्की पीछे होगी, और जब आप दोबारा से बैठोगे तो अपनी आप जहाँ पे आपने सेट की होगी तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे चली जाएगी। इसके अलावा 360 कैमरा, ADAS, EPD विद ऑटो होल्ड, वायरलेस चार्जर, पार्किंग सेंसर्स, प्यूरीफायर, मल्टी मोड लाइट डैशबोर्ड, विंडो सनशेड, फ्रंट आर्मरेस्ट विद कूल्ड स्टोरेज, फ्रंट LED, मतलब दुनिया में जो तमाम फीचर है ना, जो आपको सेफ रख सकते हैं और जो आपको लुभा सकते हैं, इस गाड़ी में ना ठूस ठूस के भरे हुए हैं, मतलब जो आपको मजबूर कर देते हैं कि इसी को ही लेना है भाई, चाहे 22-27 लाख रुपए लग जाए। और हाँ, जो लोग डरते हैं ना कि यार डीजल की गाड़ियां बंद हो रही हैं या हो जाएंगी, तो भाई देख लो आज भी ये डीजल में ही मिलती है, डीजल में ही 22-27 लाख की गाड़ी जो है वो आ रही है। क्योंकि आपको पता है जो दबंग धाकड़ लोग होते हैं ना, वो फीचर नहीं, इंजन धाकड़ देख के गाड़ी उठाते हैं। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।